राजनीति में एक व्यक्ति ऐसा भी जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के बाद भी गांव-गांव जाकर खरीदते हैं महिलाओं के बाल। बिना किसी खर्च के जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 800 वोटों से जीता है चुनाव। आज भी सादगी और ईमानदारी से रहते हैं। मोबाइल फोन भी नहीं है इनके पास। गांव-गांव जाकर खरीदते हैं महिलाओं के सिर के टूटे हुए बाल। दतिया जिले के इंदरगढ़ तहसील के ग्राम जिगनिया में रहने वाले चंद्रप्रकाश जाटव अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। चंद्रप्रकाश जाटव सेवड़ा जनपद पंचायत के सदस्य हैं। जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त है, तभी तो 800 वोट से जीत दर्ज की थी। चुनाव में दिए शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि उनके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, यहाँ तक मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। अपना चुनाव प्रचार पैदल चलकर ही किया और जीत दर्ज की। चंद्रप्रकाश जाटव जनपद सदस्य बनने के बाद भी सिर के बाल खरीद कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज के दौर में राजनीति करने वाले किसी पार्टी संगठन या ग्राम पंचायत में पंच जैसा छोटा पद मिलने से ही अपना रहन सहन बदल लेते हैं और बड़े नेताओं जैसे तेवर दिखाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनकी रहन सहन और आर्थिक स्थिति बदल जाती है। लेकिन दतिया जिले की सेवड़ा जनपद पंचायत के जिगनिया वार्ड से विजय हुए जनपद सदस्य चंद्रप्रकाश जाटव निवासी जिगनिया ने आज की राजनीति में बड़ी मिसाल पेश की है और लोगों के लिए आदर्श बन करके उभरे हैं। जनपद पंचायत की मीटिंग जाता हूं, अपने क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाया रहता हूं। ये जनपद पंचायत सदस्य का कहना है, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आज भी सिर के बाल खरीद कर एवं बेच कर बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। राजनीति को मैं जनता की सेवा का माध्यम मानता हूँ, कमाई करने का नहीं। लेते हैं क्या, हम 3000 रुपये किलो लेते हैं। अच्छा, हाँ 3000 रुपये किलो। हाँ तो कहाँ कहाँ जाते हो? ये कहना भाई, आसपास के गांव में बेचते हैं, हमारे जितने भी मान बाकी हैं वार्ड के सब गांव में बेचते हैं। जनपद सदस्य होने का हम सब लोग की दुआ से जिनकी। तो जनपद सदस्य होने के बाद भी फिर आप ये बाहर खरीदने का धंधा करते हैं? हाँ, हम क्या करें भाई, उसमें कहना अपनी वो निधि मिलती है सो अपने सरपंच को माने देते हैं, जो भी कुछ मिलता है सो अभी आई थी निधि नालो आए तो सब करवाई सरपंच साहब, जो भी परसेंट मिले सो अपने। अच्छा, मिलता है। तो कितने वोटों से जीते थे? हम जीते थे 865 वोटों से जीते, 300 रिजेक्ट हो गए थे। अच्छा। तब हम 865 से भेजे भाई थे। पहले भी बार बेचते? नहीं, बार ही बेचते थे, पहले भी बेचते थे और हम सबसे जनता से कहते थे साहब बार बंद नहीं करेंगे, हम बेचो बेचते रहेंगे। हम जय सब की दुआ के आशीर्वाद है कि यार बूढ़े पुराने सबकी दुआ से कि आज हम जीत गए। हम जो कह रहे हैं भगवान सबके बच्चे सुखी रहें, जय भाई प्रार्थना भगवान से कि सब बच्चा सुखी रहे। सब जनपद सदस्य होने के बनने के बाद भी वही आपका धंधा? हाँ वही रहेगा, और सदा तब तक जी जाएंगे। हमारे कोई वो नहीं है, ना हमें अभिमान है। हाँ। ना हम जो है, हम तो जनता की पूर्ति अपने भाव भाव करें। माता बहनों ने हमें वोट दिया है, मैंने विजय दिलाई है तो हम विजय सदा करते दिलाते रहेंगे, बनके आशीर्वाद सदा मानते रहे, हमारे लिए भगवान है। कितने गाँव लगते हैं तुम्हारे? हमारे 9 गाँव है। 9 गाँव? हाँ, 3 पंचायत। तो कैसे जीते तुम पंचायत में? बाहर बेच रहे आजकल लाखों रुपए खर्च करने के बाद? हमने लाखों नहीं करे, हम तो केवल मात्र सब बहन बेटियाँ के पांव छीते थे। अपन प्रेम से बोलते हैं, सब लोग कहते तुम सही हो, माने आदमी सही हो, आप साफ सुथरे आदमी हो, भाई हिसाब से सब लोग ने हमारे को सबने वो करीब वोट दिया, हमें जी जान से हमें सब खुशी है। अच्छा, हाँ। और चुनाव जीत गए? हाँ जीत गए, मालिक की मर्जी, सब भगवान से। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है तुम्हारा? नाम चंद्र प्रकाश जाटव, जिगनिया ग्राम जिगनिया। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का बलराम, श्री बलराम जाटव।